सारे मीडिया वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी साडी गल पंजाब की जनता तक पहुँचाने लई अज इत्थे पहुँचे हो। सो असी पंजाब रोडवे पणबस पी आर टी सी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन वालों जिहड़े पणबस ते पी आर टी सी दे विच कच्चे कामे काम करदे आ आउटसोर्सिंग ते कॉन्ट्रैक्ट ते जिन्हां नूं काफ़ी लंबा समा हो गया 10-15 साल तो असी आउटसोर्सिंग ते 6-7 साल तो कॉन्ट्रैक्ट ते काम कर रहे हैं वह मुलाजम अच्छ जनता की कचहरी हाज़र हुए हैं क्योंकि साड़ी मुख मंगा जड़िया ने पिछली सरकारां वेले भी असी अपनी हड़तालां धरने मुजहरे करते रहे तो आवाज़ पहुँचाउण की कोशिश करते रहे पर उन्हां सरकारां ने साड़ियां मंगां पूरियां नहीं कीतियां। साढ़े नवें बने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जो कन्वीनर से पार्टी आम आदमी पार्टी के उन्हां वल्लों बड़े वड्डे वड्डे बयान चोणां तों पहलों की दिते गए कि आउण सारी पहलां ठेका मुलाजम जिहड़े आ कच्चे काम उन्हां नूं पक्के कीता जाऊगा पर हुण साढ़े नवें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बयान आ रहे भी असीं कितें भी यह गल कीती नहीं। सो यह गल संजीदगी वाली आ कि एक मंत्री खुद बयान दे के मुकर रहा। सो असी पिछले लंबे समय तो जदों तो सरकार बनी आ सारे विधायकों मंग पत्र दे चुके हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मंग पत्र दे चुके हैं अपने अधिकारियों नाल राबता कायम कर चुके हैं तो प्लस मुख्यमंत्री जी को उन्होंने सीएम हाउस जाके भी मंग पत्र पहुँचते कर चुके हैं खुद स्पीड पोस्ट भी कराए उन्होंने दफ्तर सीएम हाउस भी जा चुके मंग पत्र पर हुण तक पंजाब की जनता को यह कहने वाली सरकार कि असी ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करांगे सरकारी बसों को प्रफुल्लित करांगे हुण तक कोई भी साडी मीटिंग नहीं बुलाई गई जिस दे रोस वजों क्योंकि सरकार ने सारे विभागों च रैगुलर भर्ती करन की गल की सी पर साडे विभाग च 1337 पोस्टां आउटसोर्सिंग ते कढ दित्तियां ते साडी मंग किसे पासे भी प्रमाण हुंदी सानूं नहीं दिंदी जिस दे रोस वजों असी 8, 9 ते 10 जून की 3 रोजा हड़ताल करके मुख्यमंत्री पंजाब दे जिहड़ी भी रिहायश उहदे अगे धरना देण दा प्रोग्राम 9 तरीक का लिखिया। सो उन्दे कारण की ने वो दसन वास्ते असी जनता की कचहरी जाए हाँ मुख्य कारण ये ने कि जिथे सरकार करप्शन करप्शन की गल करती आ तो सब तो वड्डी करप्शन जिहड़े सरकार दे लगाए गए अधिकारी ने वो कर रहे हैं वो किवें कर रहे हैं कि टाइम टेबलों की मंग आ पहली मंग जथेबंदी की सी कि टाइम टेबल रोडवेज के हक च बनाए जाण जिन्हों माणयोग हाई कोर्ट ने भी ऐलान कर दिता एक हुक्म जारी कर दिता उन्हां दी एक जजमेंट आई कि जिहड़ियां 25 किलोमीटर तो 24 किलोमीटर तो वध वाधे दिते गए वो रद्द किए परमिट क्लब किए गए परमिट नवे टाइम टेबल ना पाए जाए टाइम टेबल सोध के नजायज जिहड़ियां एडजस्टमेंटा दित्तियां रद्द करके टाइम टेबल बनाए जाए पर अज हो की रहा सारे टाइम टेबल एडजस्टमेंटा विच पा के प्लस जिहड़े वाधे 25-24 किलोमीटर तो वध दिते गए वह भी विच पा के क्लब किए हुए सीपी परमिट जिन्हां नूं कहा जांदा वो टाइम टेबल च पा के वड्डे पद्धर ते धांधली करके वो प्राइवेट के हक च बनाए जा रहे रोडवेज नूं पी आर टी सी नूं वड्डे पद्धर ते लॉस हो रहा उस चीज़ का। जथेबंदी हर वक्त अपने डिपू मैनेजर टी टी आई नाल जां फिर जिहड़े आर टी ओ लगाए गए उन्हां नाल ये मंग करती आई है कि साढ़े टाइम टेबल साडे हक च बनाए जाण सही टाइम टेबल बनाए जाण जिथे 70-30 दी रेशो सी कि 70 सरकारी ट्रांसपोर्ट तो 30 प्राइवेट होएगी पर उत्थे उल्ट हो गया 70% प्राइवेट तो 30% रोडवेज रह गई है। सो उस मंग नूं असीं उस मंग का विरोध करते हुए प्रोग्राम लिखे आ प्लस नाल दी नाल फ्री सफर सहूलत सरकार ने लागू की कांग्रेस सरकार ने वह फ्री सफर सहूलतों के कारण जिहड़े पैसे वह फ्री सफर दे आउणे सी वह साढ़े डिपार्टमेंट दोनों ही चाहे पी आर टी सी है चाहे पणबस आ वह अपने पद्धर से चलते साडी तनखा सरकारी खजाने चो नहीं आउंदी साडी तनखा अपनी की हुई कमाई चो आउणी ते उन्हां तों ही गड्डियां दा डीजल पैणा उन्हां तों ही नवीं गड्डियां जिहड़ियां करजे ते लैके पाईआं गईआं उन्हां दीआं किस्तां उतारियां जाणियां। सो की हो रहा कि वह पैसे समय सिर नहीं पहुँच रहे जिस वजह नाल साडियां तनखाहां हर महीने 17-18 तरीक जां 2-2 महीने तक दा डिले हो रहा अगले महीने पूरा हो जांदा उदों तनखाह आउंदी आ इहो जिही स्थिति आ गई डीजल खुणों गड्डियां खड़ रहीआं कई डिपुआ का 50-60 लख रुपया प्राइवेट पंपों तो तेल पै रहा उन्होंने पेंडिंग पिया प्राइवेट पंप ऑपरेटर ने तेल देना बंद करता कई डिपू तेल खुणों एक एक दिन दो दो दिन बसा खड़िया रही डिपुआ चो तो आम जनता जी उन्होंने सहूलत नहीं मिल सकी। सो साड़ी मंग है कि सरकारी ट्रांसपोर्ट को चलाना है तो लोगों को फ्री सफर सहूलत देनी आ तो सरकार जोड़े पैसे आ बन दी रकम है फ्री सफर सहूलतों की जां तां उह दित्ती जावे जां फिर इन्हां कच्चे मुलाजमों नूं सीधा पक्के करे सरकार ते प्लस
जिहड़ा डीजल आ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪਣ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਬਾਡੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹਲਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੇਲਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀਆਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਡੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਉਹ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟ ਲੰਮੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਗਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬਾਡੀ ਲਗਭਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੇਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ VTS ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ PRTC ਦੇ ਪਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੌਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ PRTC ਦੇ ਪਣ ਬੱਸ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ VTS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ PRTC 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਲਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆ ਸੋ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੇਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੋ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ
एक तो रुजगार मिलेगा क्योंकि उन्होंने मुलाजमान ने पिछला लंबा समा इस महकमे काम किया है। दूसरा सरकार जुर्माने के रूप के सरकारी खजाने के उन्होंने पैसे जोड़े जुर्माना लवेंगे वो जमा हो गए। सो महकमे प्रॉफिट या लॉस नहीं गा उन्होंने बहाल करने वास्ते, उन्होंने बहाल करना चाहिए, नजायज़ कंडीशन रद्द करनिया चाहिए। सो इन मंगों असी लैके अज जो जनता की कचहरी से हाजिर हुए हैं। बसा की गिनती बहुत ज़्यादा घट आ जिंदी वजह ना रोजाना ही झगड़े हो रहे हैं, लोग ड्राइवर कनैक्टर के गल पै रहे हैं। असी 100 तो लैके 110 120 भी सवारियां बसा च सफ़र करा रहे हैं, जबकि कपैसिटी बसा के 50 सीटर बस आ जा 52 सीटर 52 सवारियां बिठाउंदी आ, असी 125 सवारी बिठा के भी लोग साढ़े नाल झगड़ा कर रहे हैं। साड़ी मंग है कि 10,000 सरकारी बस की जाए, जेकर लोगों को फ्री सफ़र सहूलत देनी आ, सरकारी ट्रांसपोर्ट को सही तरीके ना चलाना। पर सरकार की कर रही है कि बसा सरकारी पाने की बजाय किलोमीटर स्कीम तहत PRTC दे विच फिर नवीं बसा पाने की गल आ रही है, जो कि किलोमीटर स्कीम की बस में 1 किलोमीटर का 6.90 रुपए के करीब जोड़े आसी 1 किलोमीटर दे रहे हैं। 10,000 किलोमीटर महीने का करा ही करा, पर प्लस करप्शन करा के अफसर जोड़े आ उन्होंने 15 से लेकर 20,000 किलोमीटर कराते हैं, जिंद जरिए प्राइवेट मालकों की बस पैंती आ। वो एक बस 1 महीने से 1 लाख के करीब जोड़ा रुपया सरकारी खजाने चो कढ़ के लै जाता, सरकारी खजाने चूना लगता, तो 5 साल का एग्रीमेंट होंगे। 5 साल 60 लाख रुपया प्राइवेट ऑपरेटर एक बस 25 या 26 लाख की पा के उन्हें तो कमाई कर लेंदा, जबकि जे रोडवेज पण बस या PRTC बस पाई जाए तो 26 या 27 लाख की कीमत चा नवीं बसा पी कीमत 2 से लेकर 2.5 बसा नवीं पैदा। बसा भी सही तरीके चलन गियाँ, सरकारी खजाने कमाई भी होएगी, तो प्लस वो बसा 5 साल तो बाद जिमें 5 साल किलोमीटर स्कीम बसा चल दियाँ करजा मुक्त होने तो बाद महकमे 10 साल होर लगभग 15-15 साल महकमे को रिंदियां ने, जिंदे नाल लोगों को सहूलत मिलती तो महकमे मुनाफा होंदा। सो किलोमीटर स्कीम बसा बंद कीतियां जान ये मंगा ने। जेकर ये मंगा साड़ियां पूरियां नहीं होंदियां, टाइम टेबलों का पहलों तुहानू दस चुके हैं, तो आने वाले समय के जिहड़ी जथेबंदी आ, क्योंकि पिछले समय असीं मंग पत्र भी दे चुके, गेट रैलियां भी कर चुके हैं, पर साड़ी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नाल मीटिंग हुई सी, प्लस नाल जिहड़े साड़े स्टेट दे सैकटरी ने ट्रांसपोर्ट दे उन्हां नाल मीटिंग हुई सी। उन्होंने सानू भरोसा दिता सी कि असी तुहाडी मुख्यमंत्री पंजाब नाल मीटिंग करा के तुहाडियां मंगां दा हल करवाउणी आ। सो जेकर वह मीटिंग साड़ी नहीं कराई जाती तो आने वाली 8, 9 ते 10 तरीक नूं असी 3 रोज़ा हड़ताल करांगे। तिखे प्रोग्राम जिन्हां विच मुख्यमंत्री की रिहायश का धरना जां घराओ वर्गा प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है। सो सरकारी ट्रांसपोर्ट चाहे पण बस आ चाहे PRTC आ, 3 दिन वास्ते मुकम्मल रूप च चक्का जाम रहेगा। सो ये दसन वास्ते असी जनता को आए सी कि 1 महीना बीत चुकिया, असी 1 तरीक पिछले महीने दी नूं नोट्स भेजा सी सरकार नूं, पर सरकार ने हुण तक साडी कोई भी डिमांड पूरी नहीं कीती, ना साडी किसे मंग ते CM साहब लैवल दी जां ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दी मीटिंग करके कोई साडी मंग नूं प्रवान करन वाले पासे तुरे आ, जिंदे कारण मजबूरी दे वस जिहड़ी जथेबंदी आ हड़ताल करन वास्ते मजबूर आ। सो असी पंजाब दी जनता नूं खज्जल करना नहीं चाहुंदे कि पंजाब दे लोक ट्रांसपोर्ट दी सरकारी ट्रांसपोर्ट दी सहूलत तों वांझे रहिण, पर साडी जिहड़ी सरकार आ जां अधिकारी आ वह हड़ताल करने लई सानूं मजबूर कर रहे आ। सो इस मजबूरी च असी हड़ताल कर रहे हैं भी जिहड़ी सरकार कहिंदी असी कच्चे मुलाजम पक्के कर रहे हैं, वह कच्चे मुलाजम ज़्यादातर ना तो ट्रांसपोर्ट विभाग दे ने PRTC नाल पण बस दे आ रहे आ, ना ही वह हैल्थ दे जां सेहत विभाग दे जां सिक्ख्या विभाग दे आ रहे आ, उन्हां नाल भी साडा राबता कायम हो रहा। वह मुलाजम पक्के कर रहे आ जिहड़े मुलाजम सरकारी खजाने चों सैलरी लै रहे आ। असीं पहलों ही दस चुके हाँ कि साडे विभागां नूं जिवें PRTC एक कारपोरेशन बनाई गई आ, पण बस है जिहड़ी उहदे ना तां कोई सर्वस रूल बनाए गए आ, ना उहनूं कारपोरेशन घोषित किया गया, वह एक हवा च लटकदी कंपनी बनाई गई आ जिहड़ी कि रोडवेज के परमिटां दे उपर चल रही आ। उन्दे विच किसी भी ट्रांसपोर्ट के कामे का चाहे वह PRTC चाहे पण बस का उनका नाम नहीं है। पहला भी पुरानी सरकार ने 36,000 मुलाजम पक्के करने की गल की, जिंदे विच भी ट्रांसपोर्ट के विभाग से जां कारपोरेशन के बोर्ड से जड़े
वो बाहर कढ़े गए सी उस एक्ट चो। सो सानू एक क्लीयर आ भी इस एक्ट चो भी साडा कोई मुलाजम नहीं आ रहा। सो साडी मंग क्लीयर आ कि सानू विभाग च पक्के किया जाए जिहड़े साडे पितरी विभाग आ जिहड़े मुलाजम सरकार कहिंदी आ कि सही भर्ती प्रक्रिया च नहीं तां घट्टो घट्ट आउटसोर्सिंग वाला ठेकेदार कढ के 20 करोड़ रुपया जी एस टी का जिहड़ा कंपनी नूं घाटा पै रहा क्योंकि एक कंपनियां चल रही ना कि सरकारी अदारा चाहे पी आर टी सी चाहे पणबस आ एक कारपोरेशन आ वो कारपोरेशन अपना 20 करोड़ बचा सकती आ जेकर ठेकेदार बाहर कढ के सीधा मुलाजमान नूं कॉन्ट्रैक्ट ते अपने बेस से तनखाह कर देन कोई इहो जिहा रूल अपना लैन जिवें कि इन्हां ने 4 क्लास जिहड़े मुलाजम सी उन्हां नूं पिछले दिन ही नियुक्ति पत्र भी दिते आ महू ते पट्टी विच उन्हां नूं इन्हां ने कॉन्ट्रैक्ट ते लिया आउटसोर्सिंग तों। सो वह गल करके महकमा साडा जिहड़ा वा वह साडे मुलाजमान नूं किसे लीह ते लिया जा सकता ते महकमे नूं मुनाफे वाले पासे लिजाया जा सकता। बिल्कुल जी जिहड़ा मुनाफा वा जेकर सरकारी ट्रांसपोर्ट नूं सही तरीके नाल चलाया जाए तो यह मुनाफा करोड़ों च आएगा। 1 करोड़ नहीं बहुत ज़्यादा करोड़ों च आएगा क्योंकि अज भी तुसीं लुधियाणा है जलंधर आ जां होर वड्डे शहर ने जां छोटे छोटे शहर भी ने उन्हां शहरों चों स्लीपर कोच बसा जिहड़ियां ने वह नजायज़ चल रही उन्हां दे परमिट ने जिहड़े वह एक जगह तो चल के लास्ट वाली स्टेज पर सवारी लाउंदे आ पर वह सारे रस्तियां चों सवारियां चढ़ाउंदे भी ने ते उतारदे भी ने। वह पसेंजर बसों वाला काम करी खड़े आ वह वड्डे पद्धर ते लॉस पहुँचा रहे सानू नुकसान हो रहा जिवें असीं पहलों दस चुके हाँ कि आरजी रजिस्टमेंटा टाइम टेबलों घुटाले नजायज बसा चल रही ने क्लब करके परमिट 3-3 बसा चलनिया चाहिए एक एक परमिट से एक बस चला रही है 3 परमिटा के वो वाले जोड़े घुटाले ने उन्हों घुटालिया कारण साडा ट्रांसपोर्ट का विभाग है जोड़ा वो घाटे वाल जा रहा। सो कित ना कि साडे अधिकारियों की जी सरकार की उस पासे अजे तीक कोई भी ध्यान देने वाल नहीं गए कि असी इस विभाग को बचाना किवें आ वह सिर्फ तो सिर्फ जिहड़े मुलाजम ने उन्हां नूं ही दबलन कुचलन ते उन्हां दे उपर मारू कंडीशनां लाउण वाले पासे नूं आ रहे ने। साडे कोल पी आर टी सी दे पणबस विच लगभग 6000 मुलाजम जिहड़ा वा उह आउटसोर्सिंग ते आ 2000 तो प्लस मुलाजम है जिहड़ा उह कॉन्ट्रैक्ट ते कम करदा है। सो दो कैटागरियां दोनों विभागों च ही ने। सो ये दोनों विभाग कमाई वाले विभाग ने पैसे कमा के असी तो फिर असी तनखा लें जिमें असी पहलों दसिया कि असी सरकारी खजाने चो नहीं अपने पद्धर से तनखा ले रहे हैं। सो सानू रेगुलर करना सरकार ते कोई वित्तीय बोझ नहीं पैना असी कमा के सरकार नू पैसे देने पर सरकार पता नहीं क्यों इन्हां मुलाजमान नू जां तां ट्रांसपोर्ट माफिया का किते ना किते हथ जापदा कि वह चाहती कि सरकारी विभाग च कोई मुलाजम पक्का ना हो ते थोड़ा बहुता प्राइवेटा नू जिहड़ा बेनीफिट हो रहा वो इसे तरीके चलता रहे। सानू वो भी शंका जाहिर होंदी है।